एवरी वन माई नेम इज पूजा वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आल आर डूइंग वेल और आज मैं आप लोगों के साथ वेट लॉस रिलेटेड और डाइट रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ एंड यू कैन ऑल्सो वॉच वेट लॉस रिलेटेड वीडियो ऑन माई चैनल एट माई प्ले लिस्ट तो आप वहां जाके देख सकते हो वहां पर ऑलरेडी मैंने कुछ डाइट वीडियो शेयर किए हुए हैं और कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड भी वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल वीक का इंडियन डाइट प्लान जो मेरा डाइट प्लान है जो मैं फॉलो करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और एक चीज़ बता दूँ कि मैं कोई फ़िटनेस ट्रेनर नहीं हूँ मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ ऑब्वियसली मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ मैंने 20 के कम किया है 84 से 64 पे आना बहुत बड़ी बात होती है सो so, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो मैं पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ डाइट फॉलो करोगे तो आपका वेट कम हो जाएगा नहीं आपको डाइट के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा इट मीन्स आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा तो आप रेगुलरली अपनी बॉडी को टाइम दीजिए एटलीस्ट 45 से एक घंटे का टाइम दीजिए 45 फाइव मिनट से एक घंटे का टाइम दीजिए बिना वर्कआउट के मेरा तो वेट जो है वो कम नहीं हुआ तो आपको दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जैसे साइकिल जो होती है वो दो तो पहियों पे ही चलती है एक पहिए पे नहीं चल पाएगी तो इसीलिए वेट लॉस में भी आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों ज़रूरी हैं आप एक्सरसाइज में योगा कीजिए डांसिंग कीजिए साइकिलिंग कीजिए कार्डियो कीजिए बट बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अब बात करते हैं डाइट की तो मेरी जो डाइट है वो बहुत ही सिंपल सी है घर की है और आप कोई भी आराम से इसे फॉलो कर सकते हो जैसा हम नॉर्मल जो घर पे बना के खाना खाते हैं वही खाना है क्योंकि डाइट का मतलब भूखे रहना बिल्कुल भी नहीं होता है डाइट का मतलब होता है आप घर का अच्छा पकाया हुआ खुद से पकाया हुआ खाना खाइए टाइम पे खाइए और बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे हमारी लाइफ स्टाइल होती है थोड़ा उसमें भी चेंजेस लाइए बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होती है बहुत सारा पानी पीजिए बॉडी को हाइड्रेट रखिए कम से कम आठ गिलास पानी पीजिए पूरा दिन में आठ घंटे सोइए रात में जो नींद होती है ना वो लीजिए तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपके वेट लॉस में सिर्फ एक ही चीज़ से आपका वेट लॉस नहीं होगा डाइट अकेले से आपको अपनी पूरी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा अगर आपकी लाइफ बिगड़ी हुई है कि आप लेट सो रहे हो लेट उठ रहे हो और कुछ भी खा रहे हो मतलब कुछ भी तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो ये तो बहुत सारा लेक्चर हो गया भाषण हो गया कुछ भी हो गया नाउ क्विकली जम्प इन टू द वीडियो और देखते हैं कि मेरा जो फुल वीक का डाइट प्लान है वो क्या है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मैं डेली सुबह पाँच बजे उठती हूँ उसके बाद एम टी स्टमक में थोड़े थोड़े ब्रेक में तीन ग्लास वॉम वाटर लेती हूँ उसके बाद मैं सोफ्ड आलमंड लेती हूँ आज मैंने ब्रेकफास्ट में ओट्स की खिचड़ी और गुड़ वाली चाय ली है तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना ईजी झटपट बन जाती है मिड मॉर्निंग मील में मैंने कोकोनट वाटर लिया है लंच में मैंने अरहर की दाल और कर रइस रोटी और सैलड लिया है और लंच थोड़ा ज़्यादा हो गया था आज तो मैंने शाम को दाल का पराठा और नारियल की चटनी ली है डे टू में सेम मेरा वही पानी गर्म पानी और उसके बाद सोग्ड आलमंड आज मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा और गुड़ वाली चाय ली है तो चीनी वाली चाय की जगह आप गुड़ वाली चाय ले सकते हो मिड मॉर्निंग मील में मैंने कोकोनट वाटर लिया है और आज मैंने लंच में मटर पनीर कर्ड और एक रोटी और थोड़ा सा प्याज लिया है क्योंकि बाकी सैलेड ख़त्म हो गया था हाँ शाम को मैं डेली ग्रीन टी लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना वर्कआउट ज़रूर करती हूँ शाम के टाइम में और आज के डिनर में मैंने मूंग की दाल ली है सिर्फ नेक्स्ट डे की बात करूँ तो वही सेम सोग आलमंड और पानी उसके बाद आज मैंने ब्रेकफास्ट में राजमा और एक पराठा और गुड़ वाली चाय ली मिड मॉर्निंग मील में मैंने कोकोनट वाटर लिया है सेम और नेक्स्ट मैंने लंच में भी सेम थोड़े से राजमा मतलब एक बाउल राजमा और राइस और रोटी शाम को ग्रीन टी के साथ उसके बाद वर्कआउट और डिनर में मैंने दो अंडों की एग भुर्जी और एक रोटी ली है डे फोर में सेम वही सोप डालमंड और उससे पहले तीन गिलास पानी और ब्रेकफास्ट में मैंने गोभी का पराठा और गुड़ वाली चाय ली है मिड मॉर्निंग मील में मैंने कोकोनट वाटर लिया है और लंच में मैंने कढ़ी राइस सैलड और एक रोटी ली है और डिनर में क्या था मेरे जो नेबर हैं उन्होंने अपे बनाए थे तो शाम को मैंने वही खाए थे इसलिए डिनर नहीं बनाया था डे फाइव में सेम वही था मॉर्निंग में सोग्ड आलमंड और ब्रेकफास्ट में मैंने आज वेजिटेबल दलिया बनाया है तो एक बाउल के करीब वो खाया है क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना होता है मिड मॉर्निंग मील में मैंने पपाया लिया हुआ है लंच में मैंने आज भिंडी कर्ड सैलेड और एक रोटी ली हुई है प्लेट में दो रोटी हैं बिकॉज़ वो एक दूसरी मेरी बेटी की रखी हुई है डिनर में मैंने एग भुर्जी दो अंडों की और एक रोटी ली है डे सिक्स की बात करूँ तो वही सोग्ड आलमंड डेली की तरह ब्रेकफास्ट में मैंने आज ओट्स एग ऑमलेट बनाया है तो मैंने दो ऑमलेट ये खाए थे उसके बाद मैंने मिड मॉर्निंग मील में पपाया लिया हुआ है लंच में मैंने आज मिक्स वेज बनाया था और कर्ड और सैलड और एक रोटी और डिनर में आज हमने मैंगो शेक लिया एक ग्लास मेरा है और एक मेरे हस्बैंड का है डे सेवन की बात करूँ तो वही सेम सोड आलमंड और पानी सुबह खाली पेट उसके बाद हमने वेज राइस बनाए थे और गुड़ वाली चाय बनाई थी तो ऑब्वियसली आप राइस भी खा सकते हो बट क्वांटिटी का ध्यान रखना है मिड मॉर्निंग मील में मैंने पपाया लिया है लंच में मैंने पालक पनीर सैलेड और एक रोटी ली है और डिनर में आज संडे स्पेशल डोसा बनाया हुआ है तो so, यही था मेरा फुल वीक का जो डाइट प्लान है वो यही है चीज़ें बदलती रहती हैं कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है तो इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है बट हाँ खाने का जो पोर्शन होता है खाने की जो क्वांटिटी होती है हमें उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है ये नहीं कि हमें मतलब हम भूख लग रही है तो हम बिल्कुल खा रहे हैं यहाँ तक हमने खा लिया है भूख लग रही है खाइए पेट भरिए लेकिन थोड़ा क्वांटिटी और पोर्शन का ध्यान रखिए तो बस यही करना होता है डाइट में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश ये कीजिए कि आप डाइट के साथ साथ आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें तभी जाके आपका वेट कम होगा तो यही था मेरा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा सो so, वीडियो अगर ये अच्छा लगता है आप ये डाइट फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हो आपकी हेल्प हो जाएगी तो अगर ये मेरा डाइट रूटीन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं इस तरह के डाइट रिलेटेड वीडियो और वर्कआउट रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी आगे भी अपने चैनल पर एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो Now I'll see you in my next video. Till then, bye, take care.